हेलो एंड वेलकम ऑल, दिस इज लर्निंग लोकस और प्रस्तुत है कॉमन एरर्स। आपके समक्ष सबसे पहले एक सेंटेंस दिया हुआ है, मीरा लव्स ऑल मदर इन लॉज। इस सेंटेंस में खामी है, गलती है, हमें ढूंढना है पहले गलती कहाँ पे है, फिर ठीक करेंगे। मीरा लव्स ऑल मदर इन लॉज, तो गलती है यहाँ पर मदर इन लॉज में। कारण क्या है? कारण यह है कि कोई अगर कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन उसे कहते हैं जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पर मीरा, सॉरी मदर, फिर इन और लॉज, यह तीन वर्ड मिलकर बने हैं एक वर्ड मदर इन लॉज। तो जो रूल होता है कंपाउंड नाउन का प्लुरल बनाने का, वह होता है कि उसके मेन वर्ड को प्लुरल बनाना होता है। मेन वर्ड मदर्स इन लॉ का मेन वर्ड है मदर्स, तो मदर्स को बना देंगे, प्लुरल हो जाएगा। वेयर एज जो रॉन्ग सेंटेंस में लॉज को बनाया गया है, यही गलती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मीरा एंड रीमा आर वुमेन टीचर्स। मीरा एंड रीमा आर वुमेन टीचर्स। अब यहाँ पे भी गलती यही इधर ही है, वुमेन और टीचर्स में गलती है। सही होगा मीरा एंड रीमा आर वीमेन टीचर्स, मतलब यह भी कंपाउंड नाउन है लेकिन वुमेन का वीमेन होगा और टीचर का टीचर्स होगा। इसका रूल क्या है? ठीक है, कंपाउंड नाउन का बनाने का रूल बता दिया हमने कि मेन वर्ड को करते हैं, लेकिन अगर मेन वर्ड में, अगर कंपाउंड नाउन में, नॉट मेन वर्ड, कंपाउंड नाउन में मैन या वुमेन वर्ड रहेगा तो मैन वुमेन वर्ड वाला भी बनेगा और दूसरा वर्ड है वह भी बनेगा प्लुरल। और इस तरह से दोनों वर्ड्स को प्लुरल बनाकर ही प्लुरल बना सकते हैं उस वर्ड को। तो वुमेन टीचर्स है तो यहाँ पे वुमेन टीचर्स हो जाएगा। देयर हाउसेस मेड्स, देयर हाउसेस मेड्स, यहाँ पे भी गलती हो गई, कंपाउंड नाउन हो गया, मेन वर्ड को प्लुरल बनाएंगे हो जाएगा काम। तो मेड मेन वर्ड होता है, मेड का मेड्स होना चाहिए, देयर हाउस मेड्स। तो आपने इस रूल में सीखा यही कि कंपाउंड नाउन्स में मेन वर्ड को प्लुरल बना देने से प्लुरल बनता है, लेकिन अगर कंपाउंड नाउन में मैन या वुमेन वर्ड हो तो इनको भी प्लुरल बनाना पड़ता है और इनके साथ जो वर्ड होते हैं उन्हें भी बनाना पड़ता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और एक्सप्लेनेशन यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मीरा डजंट ट्रस्ट राम। मीरा डजंट ट्रस्ट टू राम, यहाँ पे गलती है और गलती है ट्रस्ट टू में। कारण क्या है कि ट्रस्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लिखते हैं, जबकि यहाँ पे टू प्रेपोजिशन लिखा गया है, इस टू को हटाना पड़ेगा। मीरा डजंट ट्रस्ट राम सही होगा। दूसरा, प्रयास ट्रीटेड प्रीति बैडली, यहाँ पे भी गलती है और इधर गलती कहाँ होगी? प्रयास ट्रीटेड टू प्रीति बैडली, यहाँ पर ट्रीटेड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, टू नहीं आएगा तो टू हटकर हो जाएगा प्रयास ट्रीटेड प्रीति बैडली, प्रीति नहीं प्रीत है, प्रीत बैडली। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद और वर्ब्स वर्ब्स के बाद और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए और यहाँ भी ट्रीटेड के बाद टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तो ये दो रूल हो गए हमारे। आगे, वन शुड डू हिज वर्क, गलती कहाँ पे होगी? पहचान गए होंगे आप, वन शुड डू हिज नहीं वंस, क्योंकि आप जानते हैं कि वन जो वर्ड है, वन वर्ड, इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है वंस, वंस, राइट? तो यहाँ पे हिज आया है पजेसिव प्रोनाउन होकर, तो या तो हिज के बदले में इस जो मेन वर्ड है वह लिख दें, ही शुड डू हिज वर्क, और नहीं तो वन के जैसा वंस होता है उसे लिख दें, वन शुड डू वंस वर्क। तो दो हो जाएगा इसका आंसर, एक वन से वंस करके और दूसरा हिज से वन को ही करके आंसर हो जाएगा। जो प्रोनाउन होता है उसका सुटेबल जो पजेसिव प्रोनाउन होता है उसे ही लिखना पड़ता है, और आप जानते हैं कि ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है,
वन का पजेसिव प्रोनाउन वंस होता है, इसलिए वन और हिज में तालमेल नहीं है। हो गया, एक्सप्लेनेशन यही है। नेक्स्ट, राम एंड माई सेल्फ हैव कम। राम एंड माई सेल्फ हैव कम, मीनिंग तो समझ गए होंगे, लेकिन गलती है कहां पर, माई सेल्फ में। क्या सही है, राम एंड आई हैव कम। क्या होता है, देखिए माई सेल्फ जो सेल्फ वाला होता है, दो प्रोनाउन होता है, एक एक को बोलते हैं इम्फैटिक, इम्फैटिक, और दूसरे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। तो जब अकेले आता है ये, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव, और जब किसी प्रोनाउन, जो इसका प्रोनाउन है उसके साथ आता है, तुरंत ही बाद आता है, इसे कहते हैं इम्फैटिक। तो यहाँ पे माई सेल्फ अकेले आया है, ये अपने प्रोनाउन के साथ नहीं आया है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखिएगा, योर सेल्फ विल राइट इट, योर सेल्फ विल राइट इट, ये रिफ्लेक्ट, ये हो गया अकेले आया हुआ है, तो इसे कह देंगे कि अकेले है तो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अभी देखिए, यू विल, योर सेल्फ विल राइट इट, यहाँ पे यू के साथ आ गया है, ये हो जाएगा इम्फैटिक। हाँ, तो क्या समझ रहे हैं हम, ये समझ रहे हैं कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, यह सब रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं, और किसी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ये नहीं बन सकते हैं। तो एक तो राम एंड आई दोनों मिलकर सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहे हैं, तभी तो हैव यूज हुआ है, इधर माई सेल्फ सब्जेक्ट बन गया है, गलत है, आई होगा। फिर इधर योर सेल्फ है, सब्जेक्ट बन गया है, गलत होगा। तो यहाँ पे यू होना चाहिए, अच्छा है, यू योर सेल्फ होना चाहिए, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, यू योर सेल्फ सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि यह हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। अदरवाइज यू विल राइट इट, योर सेल्फ जब पे यू कर दीजिए, राइट इट। रूल यही होता है कि इम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आई एंड यू हैव वन द रेस, मीनिंग समझे होंगे किंतु गलती है सेंटेंस में। क्या गलती है, आई एंड यू हैव वन द रेस, आई एंड यू के पास गलती है। एक रूल होता है 2-3-1, अगर सेंटेंस में हमें लिखना है प्रोनाउन, तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले टू मतलब सेकेंड पर्सन, थ्री मतलब थर्ड पर्सन, वन मतलब फर्स्ट पर्सन, ये लिखना होता है। तो इधर क्या किया, मतलब तीन रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो कोई भी दो रहेगा तो सीक्वेंस यही होगा, सेकेंड थर्ड फर्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट है और सेकेंड है, तो सेकेंड से सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे रहेगा यू एंड आई हैव वन द रेस, यह होगा 2-3-1 से। अभी देखिए, ही आई एंड यू आर रनिंग टूडे, अब यहाँ पे थर्ड फर्स्ट और सेकेंड लिखा हुआ है, इसको अरेंज करेंगे 2-3-1 में, तो सबसे पहले होगा ही, नहीं यू, फिर ही और फिर आई, और हो गया यू ही आई आर रनिंग टूडे। रूल है ये 2-3-1, याद रखिएगा, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फिर दीज टू पर्सन्स हेल्प वन अनदर, These two persons help one another, another. इसमें गलती है, और गलती है one another के पास, क्या होगा यहाँ पे, each other होगा। These two persons help one another नहीं, These two persons help each other। जब दो लोग होते हैं तो इसका हिंदी, दोनों का हिंदी, one another और each other, दोनों का हिंदी एक दूसरे होगा, लेकिन कब, जब मोर देन टू होगा, मोर देन टू तो वन अनदर, और जब टू होगा तो होगा ईच अदर। तो टू यहाँ पर लिखा है सेंटेंस में, देखिए तो ईच अदर आएगा, वन अनदर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस थ्री पर्सन्स हेल्प ईच अदर, अब थ्री हो गया है इसलिए ईच अदर नहीं होगा, मोर देन टू हुआ है तो हो जाएगा वन अनदर। तो आप याद रखिएगा कि ईच अदर का प्रयोग करते हैं जब पर्सन या थिंग्स की संख्या दो होती है तब, और वन अनदर का प्रयोग करते हैं जब पर्सन या थिंग्स की संख्या मोर देन टू होती है, मोर यहाँ लिखा हुआ है, मोर देन टू होती है तब। अभी देखिए, एनी ऑफ दीज टू बॉयज इज योर ब्रदर,
एनी ऑफ दिस टू बॉयज इज योर ब्रदर। यहाँ पे भी गलती है कहीं, कहाँ पे गलती है? ईदर ऑफ दिस टू बॉयज इज योर ब्रदर। ईदर वर्ड है, ईदर, ईदर का प्रयोग होता है जब हम हमें दो बीच बात करना पड़ता है कि दो में से कोई एक, वहां पे इधर डाल देते हैं। तो इधर ऑफ दिस टू, टू तो पहले लिखा था तो टू यहाँ पे भी है, तो इधर ऑफ दिस टू बॉयज इज, और इधर ऑफ रहता है सब्जेक्ट तो इज होता है सिमिलर वर्ब होता है। देखिए इधर ऑफ फाइव पर्सन विल डू इट, अब यहाँ पे इधर ऑफ फाइव, फाइव लिखा हुआ है, टू के लिए इधर होता है, फाइव के लिए नहीं होता है, फाइव के लिए होता है एनी, एनी ऑफ फाइव पर्सन विल डू इट। एक्सप्लेनेशन देखिए, इधर ऑफ की हिंदी होती है दो में से कोई एक, और एनी ऑफ की हिंदी होती है कोई, और कोई का मोर देन टू पर्सन थिंग्स के लिए, और इधर ऑफ किसके लिए? फॉर टू पर्सन और थिंग्स के लिए। जिस तरह आपने पीछे देखा टू पर्सन के लिए ईच अदर, और मोर देन टू पर्सन के लिए वन अनदर, ऐसे ही इधर टू पर्सन में एक के लिए, और एनी मोर देन टू पर्सन में एक के लिए। अभी आगे नीदर ऑफ सिक्स कैन सक्सीड, एग्जाम में जरूर आता है इधर और नीदर वाला, नीदर ऑफ टू कैन सक्सीड, मतलब छह में से कोई सक्सीड, सक्सीड मतलब होता है सफल होना, वर्ब है ये सफल होना, इसे पढ़ते हैं सक्सीड, आधा क, सक्सीड। नीदर ऑफ द सिक्स कैन सक्सीड, छह में से कोई भी सफल नहीं हो सकता है। एक्चुअली नीदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, और दो से अधिक के लिए करते हैं नन का, तो होगा नन ऑफ द सिक्स कैन सक्सीड, मतलब इधर का उल्टा है क्या, नीदर। जब दो में से एक होना होता है तो पॉजिटिव सेंस में इधर और निगेटिव सेंस में नीदर, ऐसे ही एनी का उल्टा है नॉन, दो से अधिक में से किसी एक को होना तो एनी, और दो से अधिक में से किसी को भी नहीं होना होता तो नॉन करते हैं, दोनों का उल्टा है आसपास, तो नॉन ऑफ द टू। अभी देखिए नॉन ऑफ द टू वॉज स्टॉल, यहाँ पे टू लिखा है और नॉन लिख दिया, गलती हो गई है, नॉन हट जाएगा, नीदर ऑफ द टू वॉज स्टॉल हो जाएगा, तो यही हो गया। Neither of हिंदी है दोनों में से कोई एक का प्रयोग टू persons या things के लिए करते हैं, और ऐसे ही none of कोई नहीं का प्रयोग more than two persons और things के लिए करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, कल फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।